हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्शा क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक डिफरेंट टाइप का ब्लाउज बनाएंगे जो लॉन्ग पैटर्न में रहेगा और इस ब्लाउज को राजस्थानी ब्लाउज भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस ब्लाउज को बनाने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा, तो इसके लिए हम 1.5 मीटर फैब्रिक लेंगे। तो ये मैंने लाइनिंग पीस लिया है, इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इसकी ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो हमें ज़्यादा रखनी है, इसलिए हम इसको इस तरीके से नहीं फोल्ड करेंगे, इस तरीके से रखेंगे, चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक पीस निकालेंगे, यहाँ पर दूसरा पीस निकालेंगे। तो हम मार्किंग कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ मैंने 16.5 इंच ली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब इसका शोल्डर देख लेते हैं। तो इसका शोल्डर 7 इंच है और आर्म होल भी 7 इंच। और इसकी चेस्ट 36 इंचेस है, इसका हम 4 पार्ट लेंगे, 9 इंच। और 3 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, और साथ ही इसमें लूजिंग भी रहेगी। इसके बाद आर्म होल को शेप देंगे। कॉर्नर से मैंने 1 इंच लिया है। और अब इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और अब इसका नेक देखते हैं। तो इसका जो नेक है वो मैं 4 इंच पर ले रही हूँ, और नेक की लेंथ 3.5 इंच पर। इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। इसको मैंने 0.5 इंच और बढ़ा के ले लिया है, यानी 4.5 इंच पर। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा क्योंकि ये फोल्डेड साइड पर है। और अब यहाँ पर हम इस तरीके से शेप देंगे। आप बैक पर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ऊपर से मैंने इसको बोट नेक रखा हुआ है और नीचे इस तरीके से डिजाइन बनाई हुई है। 0.5 इंच मैंने शोल्डर डाउन कर दिया है, और ये मैंने बैक की जो डार्ट है उसकी भी मार्किंग कर दी है 5 इंच पर। तो ये 2 इंच पर मार्जिन है। इसके बाद हम इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो मार्जिन है वो हमें ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है वो नीचे ही रहेगी। नीचे इसमें कटिंग रहती है। तो अब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो फ्रंट के लिए हम इस पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, 0.5 इंच मैंने आई हुक के लिए छोड़ दिया है, उसके बाद इसको रखा हुआ है। तो इसका पूरा शेप है जो हम ड्रॉ कर लेंगे, और नीचे से मैंने इसको 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि नीचे इसमें डार्ट रहेगी। और इसके बाद हम इसका नेक ड्रॉ करेंगे, जो नेक का जो फ्रंट का शेप है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आई हुक के लिए, इसके बाद हम नेक पर शेप देंगे। तो यहाँ से हमें 2 इंच रखना है ऊपर से, और यहाँ से 1.5 इंच रखना है, और इस तरीके से क्रॉस में इसको मिला देंगे। और अब इसका वर्स्ट पॉइंट देखते हैं जो 10 इंच पर है, और यहाँ से ये 4.5 इंच पर। नीचे से ये 3.5 इंच पर, और इसमें 2 इंच का हम जो गैप है वो रखेंगे, जो हमारी डार्ट रहेगी।
अब यहाँ से इसको मिला देंगे। ये मैंने फ्रंट की शेप भी इसमें दे दी है। अब इसको मिला देते हैं। तो ये प्रिंसेस कट भी रहेगा और नीचे डिज़ाइन भी रहेगी। ये पैटर्न बहुत ही अच्छा लगता है पहनने पर। यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेते हैं, जो मार्जिन है हमारा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो बाद में बनाएंगे, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये पूरा पैटर्न प्रिंसेस कट पर है। इस ब्लाउज की लेंथ और नीचे की जो कटिंग है वही इसकी मेन डिज़ाइन है। तो अब हम बैक पर भी जो नेक है इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है और अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से इसको खोलेंगे सभी पार्टों को, और ये जो लाइनिंग के पीस हैं वो लाइनिंग के साथ अटैच करना है, और ये जो मेन फैब्रिक है इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। ये दोनों साइड के पार्ट हैं जो यहाँ पर हम अटैच कर लेते हैं। तो ये मैंने लाइनिंग पीस पर भी इसको अटैच कर दिया है और मेन फैब्रिक पर भी। और अब इसकी जो मेन डिज़ाइन है उसको तैयार कर लेते हैं यहाँ पर। तो चारों पीस को हम इस तरीके से रखेंगे। हमें बिल्कुल एक जैसा रखना है इसको मिलाते हुए। आप चाहें तो पूरी स्टिचिंग करने के बाद भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ हमें जो हमारा मार्जिन है वो 2 इंच है। इसके बाद हमें जो डिज़ाइन बनानी है उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो ये मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे, और इसकी जो लेंथ है वो 2 इंच या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। आप जितना गैप चाहते हो उतना रख सकते हैं। इस तरीके से इसको चौकोर कर लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमारे चारों पीस हैं वो एक साथ कट हो जाएंगे। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो अब हमें इस तरीके से इसको रखना है। मेन फैब्रिक को सीधा रखा हुआ है और इसके ऊपर लाइनिंग पीस को रखेंगे। उल्टा रखना है इसको, जैसे हम स्टिचिंग करते हैं इस तरीके से। ये हमारा मेन फैब्रिक है वो सीधा रखा हुआ है और ऊपर से लाइनिंग पीस उल्टा है। अब इसको हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से लेके हम ऊपर तक सिलाई लगाएंगे, इस कॉर्नर से लेके पूरी सिलाई लगाएंगे ऊपर तक, नेक तक। तो ये मैंने ऊपर तक सिलाई लगा ली है, और अब जो नेक पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। और इसी तरीके से हमें बैक पार्ट पर भी कॉर्नर पर कट करना है, उसके बाद स्टिचिंग करनी है। तो अब जो ये कॉर्नर है वहाँ पर हम कट लगा लेंगे, जिससे ये आसानी से पलट जाए, क्योंकि कॉर्नर पर ही फिनिशिंग आएगी। नेक पर भी लगाएंगे। इसके कोने हमें अच्छे से निकाल ले हैं। अब इसको पलट लेते हैं। अब इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो यहां पर मैंने इस पर सिलाई भी लगा दी है। बैक पार्ट भी रेडी कर लेते हैं। तो इस पर भी हमें कॉर्नर पर कटिंग करनी है। तो इसको भी मैंने इसी तरीके से कट किया और सिलाई लगा दी। यहाँ पर मैंने ये लूप लगाया है और इस कॉर्नर पर हम बटन लगाएंगे। अब बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। इसके बाद दोनों पार्ट के शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो जो बैक पार्ट है उसको मैंने सीधा रखा हुआ है, और इसके ऊपर ये फ्रंट पार्ट रखेंगे, इसको हमें उल्टा रखना है। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर पर सिलाई लगा दी है और स्लीव मैंने रेडी करके रखी हुई है। तो इसको भी हम अटैच कर लेते हैं।
तो यहाँ पर स्लीव्स भी अटैच हो चुकी हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम हुक की पट्टी लगाएंगे। ये हमारी हुक की पट्टी है, इसको इस तरीके से अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद हम इस पर लेस लगाएंगे, क्योंकि लेस से ही इसका लुक आता है। तो ये मैंने मैचिंग की लेस ली है, इसको हमें यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है इस कॉर्नर से लेके ऊपर तक यहाँ पर लगानी है। आप चाहें तो नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले यहाँ पर सीधे इसको लगा लेंगे, यहाँ से लेके आर्म होल तक। इस लेस को स्लीव लगने के पहले भी लगा सकते थे, लेकिन ये स्लीव्स के अंदर जाने के बाद ये चुभती है, इसलिए मैंने इसको बाहर से ही लगाया है। तो ये यहाँ पर मैंने चारों तरफ इसको लगा लिया है, सीधा सीधा जो कॉर्नर है वहाँ से लेके ऊपर तक सीधा ही लगाना है। इसके बाद हमें जो लेस लगानी है उसको हमें कहीं भी कट नहीं करना है, तो अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और इसको हमें इस तरीके से यहाँ से रखना है और इस कॉर्नर से मोड़ते हुए फिर इस कॉर्नर से मोड़ेंगे और यहाँ से भी मोड़ के ऊपर तक ले जाना है। और इस लेस को हमें बीच में कहीं भी कट नहीं करना है, सीधा हमें बैक पार्ट से लेते हुए पूरे राउंड को कवर करना है। जो बैक हमारा नेक है इसको कवर करते हुए यहाँ तक ले आएंगे और बीच में हमें इसको कट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये मैंने इसको पूरा लेस से डेकोरेट कर दिया है और अब इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। आप देख सकते हैं लेस लगाने से इसका लुक बहुत ही अच्छा हो गया है। ये हमारा फ्रंट नेक रहेगा। तो अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से इसको पलट देंगे और फिटिंग के लिए हमने मार्जिन का जो निशान लगाया हुआ था वहां से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो अब मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है, इसकी फिटिंग हो चुकी है और इसका लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। बैक पर मैंने ये लेस लगाई थी तो इसका लुक और भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से ये पैटर्न बनेगा और पीछे हम एक बटन लगा लेंगे, यहाँ से फ्रंट पर इस तरीके से लगेगा। इसका लुक पहनने पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको आप थोड़ा और भी लॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही रखा हुआ है। तो ये इस ब्लाउज का फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मास्टर क्राफ्टर को। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।